भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आज चर्चा जो है, और वो अच्छी बात है कि राम नाम की गूंज है और राम नाम की चर्चा है, सब तरफ है, लेकिन साथ साथ जो परिचर्चा है जिस पर ज्यादा पॉलिटिकल एरेना में या कहना चाहिए कॉरिडोर में सबसे ज्यादा चर्चा है, वो दो लोगों की, एक कालनेमी की और दूसरे रावण की। अब सवाल ये राक्षस की कालनेमी की चर्चा है। कालनेमी वो जिसने बाधा डाली थी हनुमान जी जब जा रहे थे सुषेण बैद के कहने पर जड़ी बूटी लेने, तो कालनेमी वो राक्षस था जिसने बाधा डाली थी और हनुमान जी ने उसको परास्त किया था। तो ये कालनेमी और राक्षस का भी बोलबाला है और इसका भी बड़ी चर्चा है, हालांकि एक दूसरे पॉलिटिकल कॉरिडोर में। पहले इसके तरफ नजर डालते हैं और फिर लौटते हैं। राम चर्चा क्या है और कितना है राम नाम का सहारा और कैसे होगी नैया पार, ये राम बताएंगे, लेकिन हम उस पर चर्चा में आएंगे। लेकिन सबसे पहले कालनेमी और राक्षस की क्या चर्चा, जरा इस पर गौर कर लेते हैं। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी। सौ सौ कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को भी राम जी का पूजा करने को मजबूर कर दिया, जिन लोगों ने भगवान श्री राम के मंदिर का पुरजोर विरोध किया, उसी में से अरविंद केजरीवाल भी हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, आज ये सुनकर के बहुत खुश हूँ कि उनके जैसा एक कालनेमी प्रवृत्ति का व्यक्ति भी भगवान श्री राम की पूजा करेगा। पूजा अर्चना में विघ्न डालना ये रावण का काम था, तो रावणी प्रवृत्ति छोड़ दीजिए, दानवी प्रवृत्ति छोड़ दीजिए, पूजा अर्चना में विघ्न मत डालिए। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को आज़ादी है, वो अपनी आस्था के अनुरूप पूजा अर्चना करेगा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना एक नहीं 1000 बार करेंगे और इसमें किसी भी भाजपा के नेता से अनुमति या प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं। ये बात सही है कि किसी को भी और कैसे भी पूजा करने की उसको आजादी है, वो अपनी पूजा कर सकता है, लेकिन यहीं से एक बारीक रेखा खींचती है जो राजनीति के क्षेत्र में जाती है और वो ये कि हमने आपको बाध्य किया, हम आपको खींच के यहां तक लाए और आप हमारे पाले में आए। जी हाँ, इशारा आप समझ गए होंगे, मैं मेहमानों से तारुफ कराता हूं आपकी और उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अनिला सिंह बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अनिला जी। दीपक बाजपेयी जी पूर्व पत्रकार हैं, आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दीपक जी। अमरनाथ अग्रवाल जी लखनऊ से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। विनोद बंसल जी आज रांची में हैं और कुछ देर, जितनी देर हमें साथ मिलेगा उनका वो देंगे। वीएचपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ धर्मवीर चौधरी जी बीएसपी का पक्ष रखने के लिए लखनऊ से हमारे साथ रूबरू हैं, थैंक यू सो मच। और कुछ देर बाद हमारे साथ शिवम त्यागी भी मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे पहले अमरनाथ अग्रवाल जी, मैं आपसे एक छोटा सा रिएक्शन ले लूँ, उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी के पास जाना चाहता हूँ और सवाल एक ही है दोनों के पास। सुना कि राम मंदिर का, राम नाम का बड़ा दबाव है आपके ऊपर और आप भी मजबूर होते हुए जा रहे हैं और मजबूर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं भाई, नाम लेना बहुत जरूरी है राम का। जी देखिए, आपकी कपोल कल्पना है ये। कांग्रेस ने हमेशा राम नाम लिया है, कांग्रेस ने हमेशा सब धर्मों का सम्मान किया है और आज जो बहस हो रही है राम भरोसे, इसके बजाय अगर ये काम भरोसे होती है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का चुनाव है, ये काम भरोसे अगर लड़ते, अगर कोई विद्यार्थी साल भर न पढ़े और भगवान का नाम लेके कह जाएगा परीक्षा पास कर लेगा, क्या ऐसा हो सकता है? लोकतंत्र में जनता सब कुछ है। अच्छा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं अमरनाथ जी मैं आपको रोकना चाहता हूं। ये चर्चा मंदिर नहीं बना था, उससे पहले भी यही थी और जब हम पूछते थे, सारे लोग पूछते थे, पत्रकार लोग की मंदिर के लेकर क्या है, तो कांग्रेस ये कहती थी अरे मंदिर तो बनेगा, मंदिर तो बनना ही चाहिए, लेकिन चर्चा किसी और पर भी होना चाहिए, चर्चा तब होनी चाहिए। आज आप वही बात कर रहे हैं, अमरनाथ जी ने कहा अरे भाई काम भरोसे होना चाहिए। अनिला जी एक शार्प रिएक्शन आपका, उसके बाद दीपक जी की तरफ जो बात, मैं आ रहा हूं। अमरनाथ जी ऑडियो खोल दिया जाए, अमरनाथ जी की ऑडियो खोल दी जाए। जी जी अनिला जी, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पे,
अनिला जी, अनिल जी आपको ऑडियो आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। जी, मैंने सवाल पूछा आपको सुनाई पड़ा? नहीं, सवाल सुनाई नहीं सवाल दिया, सवाल बताएं। यही था कि अमरनाथ अग्रवाल जी ने कहा कि राम भरोसे नहीं काम भरोसे, और चर्चा काम भरोसे होनी चाहिए, राम का क्या? जी नहीं, मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं हो रहा है प्रतीक जी, पर उससे पहले जी सबसे पहले तो धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी सबको राम राम भी। देखिए ऐसा है, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हो रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि काम की बात होनी चाहिए, राम की बात नहीं होनी चाहिए। वही राजनीतिक दल है जिसने हमेशा से अड़चने लगाई, ये वही राजनीतिक दल है जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर इस बात को तय करता था कि कभी भी ऐसी तारीख ना लग जाए जिसमें कि रामलला मंदिर के ऊपर कोई फैसला आ जाए और रामलला मंदिर का भव्य निर्माण शुरू हो जाए। तो ऐसा राजनीतिक दल तो कहेगा ना कि केवल और केवल काम की बात करिए, राम की बात मत करिए। परंतु हम तो वो है कि जो सुबह सुबह राम का नाम लेते हैं और जब किसी दूसरे से भी मिलते हैं तो भी राम राम कहते हैं और सदैव श्री राम का नाम लेकर काम की बात करते हैं और काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शायद यही चरित्र है कि प्रभु श्री राम को भी याद करेंगे और याद कर कर काम करेंगे और काम करेंगे। जवाब मिला आपका, अमरनाथ अग्रवाल जी को मैं स्क्रीन पे लाना चाहता हूँ, बिल्कुल मत हटाइए क्योंकि सवाल जवाब वहीं चल रहा है। तो अमरनाथ जी, इनको जवाब मिला आपको, इन्होंने कहा कि राम और राम के साथ काम, और यही जी मैंने आपसे क्या कहा कि अगर काम भरोसे होते तो ये कोरोना का, महंगाई, किसान आंदोलन, किस चीज पे किस किया, जिस तरह जीप से कुचरा इनके कार्यकर्ताओं ने, महिला उत्पीड़न, एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए आप। हम अपने आप नहीं कुछ कह रहे हैं, इनके द्वारा जारी किए जाते हैं एनसीआरबी के आंकड़े। अगर किस काम पे बेरोजगारी, कौन सा काम ऐसा कर दिया है जिसके नाम पे ये वोट मांगते? राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर ही बना दिया, राम मंदिर ही पार कर देगा। कहे 7-5 साल पहले चाप चुप बैठे रहे। अरे कोर्ट का आदेश था, अभी नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? इनका कौन है? कोर्ट ने कमेटी बनाई है, वो कमेटी बना रही है। ये क्या है चक्कर, ये कहां से कूद जाते हैं हर जगह आके? अरे इनका एक बात सुन लीजिए, इनके महेश शर्मा जी ने कहा सीता काल्पनिक करेक्टर है, इनके दिलीप घोष ने कहा कि राम भगवान नहीं है, कहा कि नहीं कहा अनिला जी बता दें, और कई बार चैनलों में डंके की चोट पर कहा कि राम भगवान नहीं है। आज ये राम का नाम लेके इस्तेमाल करके बता रहे हैं, राम का नाम लेके उठते हैं, राम का नाम लेके कौन नहीं उठता है? इनके मोहन भागवत जी ने कहा कि सब लोग अपने अपने धर्म का सम्मान करते हैं, हम भी हैं हिंदू, हम राम का नाम लेते हैं, सारे लेते हैं, इनके कहने से कौन ये सर्टिफिकेट देंगे जी? बताइए अनिला जी, अनिला जी जवाब दीजिए, तो कैसे सिर्फ राम आपके कैसे हुए? फिर सिर्फ राम तो फिर सबके हुए। नहीं, कांग्रेस पार्टी अगर सभी धर्मों का सम्मान करती है तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट कर इन्होंने धर्म निरपेक्ष सेक्युलर शब्द को इंट्रोड्यूस करा दिया कॉन्स्टिट्यूशन में? जब आपके लिए सारे धर्म बराबर ही हैं तो इस शब्द की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्योंकि आपके लिए सभी धर्म बराबर नहीं है, एक धर्म का पुष्टिकरण आप लोगों ने सदैव किया है और स्वार्थ की राजनीति करी है, डिवाइड एंड रूल, क्योंकि आप ऐसे राजनीतिक दल हैं। जब बनाया गया तो किसने बनाया सब जानते हैं, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया राजनीतिक दल जो है वो आपको लगता है कि सीधी सच्ची राजनीति करेंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे। डिवाइड एंड रूल आपके दिमाग में हमेशा रहा, तभी आपने धर्म निरपेक्ष शब्द जो अमरनाथ अग्रवाल किया। जी अमरनाथ अग्रवाल, दिलीप घोष और महेश शर्मा जी के बयान से सहमत हैं? वो तो जवाब दिया ही नहीं उन्होंने, वही मैं पूछ रहा हूँ, उससे सहमत हैं अनिला जी? ये होता था अगर कोई और कह देता तो, जैसे दिलीप घोष जी ने साफ कहा और कई चैनलों पे बार बार इंटरव्यू में कहा कि राम भगवान नहीं है जी, और बाकायदा शर्मा जी ने राज्यसभा में कहा सीता काल्पनिक है, बाकायदा लिखा पड़ी में। अरे अनिला जी, इस पे बताइए अनिला जी, आप हलफनामा याद दिलाएंगी? मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष की प्रवक्ता नहीं हूँ। किसी की वकालत यहाँ पे मैं नहीं कर सकती हूँ। जिन व्यक्तियों के विषय में आप कह रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो या पूर्व अध्यक्ष हो, कृपया करके उनका व्यक्तित्व स्वयं ले लीजिए। हो सकता है जिस प्रकार, जिस आईने से आप देखने का प्रयास कर रहे हैं उस तरीके से या उस संदर्भ में उन्होंने कहा ही ना हो। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी अमरनाथ जी, आपको जानकारी तो अवश्य होगी, परंतु एक महिला होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते भी मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भगवान श्री राम का आप नाम लेंगे तो उसमें सिया आ ही जाता है। हमारे यहाँ पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक कहते हैं, पत्नी को अर्धांगनी बोलते हैं,
यानी पति उसका आधा अंग है, पत्नी अपने पति का आधा अंग है, ये भी नहीं समझ में आता कैसा है, किस प्रकार की राजनीतिक दल है। मैं रोकता हूँ, अमरनाथ जी की आवाज, अमरनाथ जी की आवाज तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं कोशिश करता हूँ। दीपक वाजपेयी जी आपके तरफ डिबेट खोलता हूँ, दीपक जी मैं आपकी तरफ आता हूँ। और ये बात कही गई कि सरकार बनी तो अयोध्या तक की फ्री यात्रा कराई जाएगी और एक रिपिलका भी बनाया गया और राम नाम का जो पूरा गान हो सकता है वो किया जाएगा, पूरी कैबिनेट बैठेगी, पूजा एक साथ करेगी, तो दबाव तो आपके पर भी है, ऐसा आपके विपक्षी आपके बारे में कह रहे हैं। दीपक जी, भाई हम लोग जब से सरकार में आए हैं 37,000 लोगों को जगन्नाथपुरी की यात्रा करा चुके हैं, तिरुपति जी की यात्रा करा चुके हैं, रामेश्वरम की यात्रा करा चुके हैं, स्वर्ण मंदिर जी की, हरमंदिर साहब की यात्रा करा चुके हैं 37,000 लोगों को। और इसके बाद अब जब राम मंदिर चालू हुआ, शुरू हो रहा है, उसका निर्माण हो रहा है, हमने कहा कि हम रामला मंदिर की भी जैसे वैष्णो देवी की यात्रा कराते हैं वैसे राम मंदिर की यात्रा भी कराएंगे। अब देखिए मजेदार चीज, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको सरकार यहां मुफ्त में ले जाती है, दर्शन कराती है, एसी कमरों में रोकती है, वापिस लेके आती है, चाहे रामलला का दर्शन करना हो, चाहे जगन्नाथपुरी का दर्शन करना हो, चाहे वैष्णो देवी का। और आप ये देखिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश में नोएडा से जाते हैं रामलला जी के दर्शन करने के लिए तो कम से कम 10,000 रुपया आपका खर्चा होगा, बहराइच से जाएंगे तो 10,000 रुपया आपका खर्चा होगा आने जाने रहने से। और कहते दावा यह है कि राम जन्मभूमि पे पेटेंट इनका है, तो हमें पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं करा रही है जो पिछले 5 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार करा रही है। अगर दिल्ली वालों को जाके वैष्णो देवी जी का दर्शन करने का हक है, अगर जगन्नाथपुरी जाने का हक है, अगर अयोध्या में श्री राम लला जी के दर्शन करने का हक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को किसने रोका है, गुजरात सरकार को किसने रोका है, मध्य प्रदेश सरकार को किसने रोका है? उठा आज आज आपको तो लग रहा होगा कि राम नाम का जो सपना है, जी मैं आ रहा हूं, 37,000 लोगों को, दीपक जी आ रहा हूं, दीपक जी आ रहा हूं, दीपक जी आ रहा हूं, कितने लोगों को भेजा है? राइट सर, मैं आ रहा हूं। विनोद बंसल जी, आज तो आपको लग रहा होगा कि दिल्ली सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है और ऐसे ही काम करना चाहिए, तो आज तो आप 100 में 100 नंबर देंगे ना वाजपेयी जी को? प्रतीक जी मैंने कहा था कि सारे रामद्रोहियों को रामराज्य की तरफ लौटना ही पड़ेगा, एक दिन वो आएगा ही आएगा जो कुछ 40 वर्ष के विश्व हिंदू परिषद की और 500 वर्ष के हिंदू समाज की तपस्या का जो है फल मिलेगा, और हिंदू समाज वो फल मिलते हुए देख रहा है। आप देखिए, आपके सुधी दर्शक इस बात को जानते हैं कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद में जो विजयश्री हमें 2019 में मिली प्रभु राम के मंदिर के लिए, और जो मंदिर का भव्य का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। विनोद बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विनोद बंसल जी, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। मेरी बात, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, इंटरप्ट नहीं करूंगा, इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, इंटरप्ट नहीं कर रहा विनोद बंसल जी, इंटरप्ट नहीं कर रहा जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम मंदिर के निर्माण का फैसला दिया, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद, ये दोनों हिंदुओं के अपराधी हैं। इनके अध्यक्ष अशोक सिंघल ने कहा कि इस राम मंदिर के लिए युवाओं का खून बहेगा, कुछ गर्मी पैदा होगी तभी काम चलेगा, ऐसे करके इन्होंने कार सेवकों की हत्याएं कराई, हिंदुओं को गुमराह किया, ये इनका इतिहास है। 1992 में अखबार मालिकों से मिलके 200 लोगों की हत्याओं की खबर छपवा के आज तरुण मीडिया ने ट्वीट भी किया। बिल्कुल, दीपक वाजपेयी जी को रोकता हूं मैं, दीपक जी को रोकता हूं। हां, दीपक जी ने एक वाक्य इस्तेमाल किया, दीपक वाजपेयी जी ने एक वाक्य इस्तेमाल किया कि विश्व हिंदू परिषद ने हत्याएं करवाई, तो अगर हत्याएं कर, तो आप तो पत्रकार हैं भाई, अगर आप पत्रकार हैं और आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए, तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कोठारी सर, 1992 दंगों में, सुनिए मैं दो चीजें बता दूं पहले आपको, प्रतीक जी मैं आ रहा हूं आपको वन बाय वन दूंगा, एक एक करके दूंगा, दीपक वाजपेयी एक एक करके, ऑडियो था दीपक यू हैव टू वेट नाउ, दीपक यू हैव टू वेट एक वन बाय वन, विनोद बंसल विल रिप्लाई, विनोद बंसल विल रिप्लाई, देन दीपक, देन दीपक वाजपेयी जी। विनोद बंसल, पूरी नहीं हुई थी, बीच में इंटरप्ट कर दिया था। हां बिल्कुल, मुझे याद है, इसीलिए मैंने आपको पूरा कहा जी। मैं कह रहा हूँ, देखिए ये हिंदू समाज का सौभाग्य है, इस देश का सौभाग्य है कि 500 वर्ष की तपस्या के बाद में
और विश्व हिंदू परिषद के 40 वर्ष के इतिहास का सतत संघर्ष के बाद में और पूजनीय अशोक सिंघल जी जैसे महात्माओं के एक महान बलिदान के बाद में ये शुभ दिन देखने को आया है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने को तैयार हो गया। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को उम्र कैद की है कोर्ट ने दी है या नहीं की हत्याओं के आरोप में? ये रामद्रोही हमेशा से जब राम मंदिर की बात आती है तो ये बिलबिला जाते हैं, पता नहीं क्यों जब राम राज्य की बात आती है तो इनको कठिनाई होती है। इनको कठिनाई होती है कि अगर कोई राम की बात भगवान राम की पूजा कर रही है और आप मुझे बताइए कि आखिरकार ये जो है विनोद बंसल जी, मैं पूछना चाह रहा हूं दीपक वाजपेयी जी, दीपक वाजपेयी जी आप एक आदमी को तीर्थ यात्रा क्यों नहीं करा रहे? दीपक वाजपेयी जी ऑडियो डाउन वन बाय वन एक मैं आपको मौका दूंगा। मैंने आपके बीच में विनोद बंसल को इंटरप्ट किया, आपका सवाल लिया, तो वन बाय वन आऊंगा, एक एक करके आऊंगा, ऐसे नहीं दीपक जी, ऐसे नहीं जी। विनोद बंसल वेरी क्विक। प्रतीक जी, मैं बड़ा क्विकली ये कह रहा हूँ, देखिए जो रामद्रोही हैं उनको परेशानी होना स्वाभाविक है, मुझे पता है, दीपक जी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, जिन्होंने हमेशा से राम को नकारा, जिन्होंने हमेशा से राम राज्य की परिकल्पना को धुतकारा और अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया तो उसको कलंकित करने का महापाप किया, ये दुनिया जानती है। अगर आप 4% लेकर के अयोध्या लेकर चले जाओगे तो बहुत बड़ा कोई एहसान नहीं कर हिंदू समाज के ऊपर, आखिरकार कोई आम आदमी पार्टी को अपने जेब से थोड़ी कर रही है इस काम को, आखिरकार है तो जनता का ही पैसा ना। विनोद बंसल जी एक सवाल का जवाब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों नहीं ले जा रहा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आपका क्यों नहीं ले जा रहा लोगों को तीर्थ यात्रा पे, आपका मुख्यमंत्री गुजरात का क्यों नहीं ले जा रहा, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा पे क्यों नहीं ले जा रहा है? योगी आदित्यनाथ ने कितने लोगों को तीर्थ यात्रा कराई है? ये बताइए कि नोएडा से रामलला के दर्शन का खर्चा 10,000 रुपए क्यों है? रामराज्य अगर ये सचमुच में हिंदुओं की सरकार बताते हैं आप। अच्छा चलिए मैं दोनों को एक एक सवाल देता हूँ, दोनों को एक एक सवाल देता हूँ। विनोद बंसल जी को भी, दीपक वाजपेयी जी, आज दोनों लोग राम मंदिर का श्रेय ले रहे हैं, दोनों लोग राम मंदिर के सहारे हैं, दोनों लोग राम मंदिर की नाव पर सवार हैं। मैं दोनों से एक सवाल पूछता हूं, पहले बताइए विनोद बंसल जी कि आप राम मंदिर निर्माण में कितना श्रेय आपका, पहले मैं आपसे पूछता हूं और फिर यही सवाल दीपक वाजपेयी जी आपसे कि आपका कितना श्रेय राम मंदिर पर, यह मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पहले दीपक वाजपेयी जी बताएंगे। दीपक वाजपेयी जी बताइए जी। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और आपको जान के ये आश्चर्य होगा, ये जिनकी संतान है सावरकर जी की, सावरकर जी ने, मैं कानपुर का रहने वाला हूं, 1942 में मेरे कानपुर में हिंदू महासभा का दीपक वाजपेयी ये बताइए ये शब्द कौन सा है कि ये जिनकी औलाद है? नहीं दीपक जी ये बताइए, नहीं दीपक जी गलत है, ये किनकी औलाद ये शब्द क्या है ये दीपक ये बताइए, दीपक जी आप पत्रकार रहे हैं, आप ये शब्द लिखते हैं अपने पेपर में, जिस पेपर में काम करते थे उस पेपर में ये शब्द लिख सकते थे जी, तब आप मेरे प्रोग्राम में ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिनकी ये औलाद है, ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया? वाजपेयी जी बताइए, संतान एक ही शब्द औलाद शब्द बोला, और ये संतान क्या? चलिए औलाद भी संतान ही है, ये क्या मानते हैं? ये बौद्धिक संतान नहीं है क्या वीर सावरकर की हिंदू महासभा की? ये नहीं, नहीं, ये मुझे बताइए, नहीं वाजपेयी जी ये मुझे बताइए, और वाजपेयी जी ये मुझे बताइए, अल्फाज गलत इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, बाकी आप कहिए। हिंदू महासभा के सम्मेलन में अधिवेशन में कहा, मैं आपको कोट करता हूं और इनको डिनाई करने दीजिए, इन्होंने ये बात कही, सावरकर ने कानपुर में कहा कि राजनीतिक मजबूरी को समझिए, अगर राजनीति करनी है तो मुस्लिम लीग के साथ
हमको गठबंधन करना पड़ेगा। आपने देखा कि हमने सिंध में किस तरह की सरकार बनाई मुस्लिम लीग के साथ मिलकर, इन्होंने कहा आपने देखा बंगाल में हमने कैसी सरकार बनाई मिलकर। आपको पता है हिंदू महासभा सिंध में पावर में थी, सत्ता में थी, जब पाकिस्तान का रेजोल्यूशन सिंध की विधानसभा ने पास किया। के सामने ये वो देश के गद्दार हैं। वाजपेयी जी आप कांग्रेस के साथ नहीं थे क्या? अगर इसका जवाब वाजपेयी जी आप नहीं नहीं जवाब तो मैं ले लूंगा। 41 में जी सुनिए जी बिल्कुल ले लूंगा। 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन था। राइट सर मैं आ रहा हूं दीपक वाजपेयी जी। होल्ड ऑन विनोद बंसल विल रिस्पॉन्ड एंड देन मैं कमिंग टू शिवम त्यागी जी। प्रतीक जी इनको शायद पता नहीं है कि हिंदू महासभा में, विश्व हिंदू परिषद में, सावरकर में और बाकी सब में क्या समावेश है और कितना डिफरेंस है। ये हिंदू महासभा को विश्व हिंदू परिषद समझते हैं, विश्व हिंदू परिषद को हिंदू महासभा का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा से भी स्पष्ट हो जाता है कि आखिरकार इनकी मानसिकता क्या है, ये चाहते क्या है। राम का नाम लेते हैं और रामद्रोही काम करते हैं। आप मुझे बताइए कि चार लोग चार रामद्रोही काम कैसे कर रहे हैं? छोड़ दो विनोद बंसल जी, मुझे बताइए विनोद बंसल जी ये बताइए रामद्रोही काम कैसे कर रहे हैं? वाजपेयी जी ने कहा कि उनकी कैबिनेट बैठेगी और राम मंदिर के राम की पूजा करेंगे सारे लोग, करेंगे 2 करोड़ लोग दिल्ली के सारे लोग, तो ये तो अच्छी बात हुई ना। ये रामद्रोही कैसे हो गए? ये रामद्रोही तो नहीं हुए। राम के नाम लेना, राम मंदिर राम की पूजा करना, रामद्रोही कैसे हो गया बताइए? देखिए मैं इसलिए हो गया, देखिए जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, अपना सर्वोच्च वरदान त्याग दिया, उसको कलंकित करने का काम यही तो कर रहे हैं। रामद्रोही नहीं है तो और कौन है? आप मुझे बताइए कि राम जन्मभूमि पर जो लोग डेडिकेटेड होकर के करोड़ों राम भक्तों ने श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के तहत जो है 3500 करोड़ रुपए का समर्पण किया, उस समर्पण को कलंकित करने का काम ये नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है? ये रामद्रोही नहीं तो और क्या है? आप मुझे बताइए, 4 बसें अयोध्या में भेज करके और वो भी जनता के पैसे से, हिंदुओं के पैसे से ही भेज रहे हैं और हिंदुओं पर ऐसा लग रहा है जैसे उपकार कर रहे हैं। रामद्रोही नहीं है तो और क्या है? ठीक है, मुझे बताइए कि अशोक सिंघल जी जैसे, महामहिम चंपत राय जी जैसे एक पूज्य जन और संत को आप कलंकित करने का प्रयास कर रहे हो तो रामद्रोही नहीं है तो और क्या है? ठीक है सर, आप रामद्रोहियों के साथ मिलकर के सरकार बना रहे हो। ठीक है सर, वो जिन्होंने राम को नकार दिया। मैं आ रहा हूं धर्मवीर चौधरी जी और धर्मवीर चौधरी और शिवम त्यागी। मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले इस दोहे से कि विनय न मानत जल बिझड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भाई भी रहो न प्रीत। आप मुझे एक चीज बताइए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम का अस्तित्व नकारने में लगा दिया और इन्होंने पूछा ना कैसे केजरीवाल जो है राम भक्त नहीं है, ये देखिए 11 फरवरी 2015 का केजरीवाल का ट्वीट है, ये 7 सेंटीमीटर स्वास्तिक के चिन्ह के पीछे झाड़ू लेकर भागता हुआ एक व्यक्ति। जिन लोगों का पूरा जीवन राम के अस्तित्व को नकारने में लग गया, जिन लोगों का पूरा जीवन राम सेतु को नकारने में लग गया, जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलवाने का समर्थन किया, जिन लोगों ने राम तक को क्या क्या नहीं कहा, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इस देश ने, आ रहा हूं अग्रवाल जी आ रहा हूं, कलयुग में यह साबित हो गया कि चाहे त्रेता युग प्रतीक रहा मेरा, हो, प्रतीक मेरा जवाब बनता है आज कलयुग रहा हो। आपने जवाब नहीं दिया, विनोद बंसल का जवाब नहीं दिया। मैं आ रहा हूं वाजपेयी जी आ रहा हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सर्वश्रेष्ठ है और आखिरकार चाहे किसी ने उनको कितनी भी गालियां दी हो, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, कितने भी अगेंस्ट रहे हो, आपको आखिरकार भगवान श्री राम के चरणों में मत्था रगड़ना ही पड़ेगा, तभी शायद आपका उद्धार हो जाए। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उन लोगों के मुखौटे को भी जानते हैं जिन्होंने पूरा जीवन उनको गाली दी, तो चाहे आप मैं जवाब देता हूं प्रतीक अग्रवाल जी आ रहा हूं, वाजपेयी जी दीपक वाजपेयी दीपक आपको आपके पास आ रहा हूं दीपक वाजपेयी, उसके बाद मैं आता हूं जी दीपक वाजपेयी जी। प्रतीक जी मैं भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रवक्ताओं को कहना चाहता हूं इसमें कि नंबर वन आप यह जान लीजिए कि जिन लोगों ने भगवान राम, आपको पता है रामलला अबोध राम है, बालक राम है, बाल रूप है उनका, उनके लिए जो चंदा इकट्ठा किया, लोगों ने पेट काट के इस मंदिर को बनाने के लिए चंदा किया, उसमें चंदा चोरी का काम जिन्होंने किया, अयोध्या में इनका मेयर है और उस मेयर ने उस चंदे के अंदर चोरी करके 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की बिकवा दी। चंपत राय जो व्हीप के ऑफिस बेरर हैं उन्होंने, और मेयर है बीजेपी का, उसने उस चंदे में चोरी की, इससे निकृष्ट काम क्या है? हमारे गांव में कहते हैं कि मंदिर की गोलक से चोरी करने वाले को कोड़ होता है, ये राम की आस्था है, ये एक ऐसा अपराध है जिसके बारे में गिरे से गिरा आदमी सोच नहीं सकता, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने
इस जिस मंदिर को बनाने को कहा और एक कमेटी को जिम्मेदारी दी कि मंदिर बनाया जाए, यह बताइए कि जो लोगों ने पूरे देश में चंदा दिया उस चंदा चोरी से निकृष्ट क्या काम है? आपने कौन सी एफआईआर दर्ज की? मैंने एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी, 8 तारीख को केस लगा हुआ है, मैंने यहां पर कोर्ट में फाइल की कंप्लेंट की भाई ये जो लोग हैं। विनोद बंसल जी जवाब देंगे, विनोद बंसल जी जवाब देंगे, ऑडियो डाउन दीपक बाजपेयी, ऑडियो डाउन दीपक बाजपेयी, विनोद बंसल जी जवाब दीजिए जी। प्रतीक जी, जो चांद सितारों में रहते हैं, जो चांद सितारों को शायद खोए रहते हैं, हरे झंडे में लिपटे रहते हैं, उनको हमेशा चांद और चंदा ही नजर आता है। अरे भैया, वो निधि समर्पण अभियान था, उस निधि समर्पण अभियान में देश के 65 करोड़ लोगों ने सहभागिता की थी, पता है 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा की निधि समर्पित की थी भगवान श्री राम के लिए। चंदा नहीं था भाई, चंदा नहीं था। आपको कितनी बार बताऊंगा यार, आप चांद सितारे से बाहर निकल जाओ, पाकिस्तान दूसरा बन चुका, अब तो भारत में आ जाओ ना यार, अब तो भारत में हो ना, भारतीयों के साथ रहो, भारतीयता के साथ रहो, भारत के राम को प्यार करो, राम को, राम की आराधना करो भाई। आप समझ रहे हो, आप भूल जाओ चंदा चांद सितारे को, बहुत पुरानी बात हो गई। कांग्रेस ने बहुत उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन किया ना सेकुलरिज्म के नाम पर, वो सारा धता पोल खुल चुकी सारी सारी, कि किस तरह से अवैध अतिक्रमण करके भारतीय संविधान की आत्मा को अमरनाथ अग्रवाल जी करके तोड़ दिया, मार दिया। अरे प्रतीक जी, मैं डिबेट से चला जाऊं क्या? अरे नहीं भाई, चौधरी साहब क्या दिक्कत है, मैं आ रहा हूं आपके पास। चौधरी साहब जल्दी में है तो कोई रोकेगा नहीं, चौधरी साहब जल्दी में है बहुत तो कोई रोकेगा नहीं, लेकिन मैं डिबेट अपने हिसाब से चलाता हूँ, डिबेट में अपने हिसाब से चलाऊंगा। चौधरी साहब, आपके मन में ये हो कि मुझे चौधरी साहब अगर बहुत जल्दी में है तो रोकूंगा नहीं, लेकिन अगर धैर्य है, सब्र है तो रुकिए, राम नाम है ये। जल्दी में नहीं हूँ, धैर्य रुकिए, मैं आता हूँ। अमरनाथ अग्रवाल जी, 30 मिनट हो चुके हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, 35 मिनट भी होंगे, बुलवाना नहीं है। ऑडियो डाउन अमरनाथ अग्रवाल जी जी। एक तो आपने जब सरकार के बारे में कुछ कहा वाजपेयी जी ने, तो आपने फौरन एतराज किया, ये बार बार सबको तो ही बता रहे हैं, इनको ये अधिकार किसने दिया है, कौन सी मर्यादा है इनकी? ये इन्होंने अपने दिलीप घोष से, अपने महेश शर्मा से जवाब लिया, अपने मोदी जी से जवाब लिया कि पीडीपी के साथ कलवैया करके क्यों सरकार बनाई, सर का बगैर देख बताए आप पाकिस्तान मिठाई लेके चले गए, शादी लेके चले गए, इन्होंने मोदी जी से सवाल किया, एक सवाल किया हो बताइए आप हमको। इन्होंने दिलीप घोष के बारे में अभी कुछ नहीं कहा है, महेश शर्मा ने कहा सीता काल्पनिक, इन्होंने कुछ नहीं कहा है, और जो समर्पण नीति चंदे को जो चाहे नाम दे दो, दूसरा नाम देके का चंदा खा जाओगे, समर्पण नीति खा जाओगे, चंदे को समर्पण नीति बता दोगे तो खा जाओगे, राइट। जमीन बेच रहे हो, साफ साफ घोटाला पकड़ा जा रहा है, खुद ही आके सर्टिफाइड कर देते हैं कि नहीं साहब नहीं हुआ है, राइट। कोई कोर्ट ने जांच कमेटी बनाई थी, उसके आधार पे आप ये मंदिर बना रहे थे, इनके सब महान हो गए और ये महान हो गए, योगी जी बुलडोजर और तोप पे चढ़ के वोट मांग रहे हैं, ये मर्यादा है, ये राम की भाषा है। अनिला सिंह नहीं, देखिए ऐसा है कि ये वो राजनीतिक दल है, अगर मैं कांग्रेस पार्टी के विषय में कहती हूँ कि अपने स्वार्थ की वजह से इस देश का विभाजन इन लोगों ने होने दिया, और आज जो है यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं भगवान श्री राम के विषय में, यहाँ पे चर्चा करते हुए इनको शर्म भी नहीं आती है। हाँ, अभी वीर सावरकर जी के विषय में जो कहा गया, अभी दीपक वाजपेयी जी बोल रहे थे उनकी औलाद है। हाँ वाजपेयी साहब, मैं अभी दावे से कह रहा हूं जी, नहीं तो सुन लीजिए आप, किसी की औलाद होने का मतलब आप समझ रहे हैं, किसी की औलाद होने का मतलब आप समझ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, बौद्धिक संतान है आप, इसमें क्या गलत बात है? अपने शब्दों की मर्यादा, सुन लीजिए, श्री राम की वंशज हूँ, सावरकर जी की वंशज है, आप देश के गद्दार सावरकर की वंशज है, जिसने कहा कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दो राष्ट्र बनेंगे, आप अंग्रेजों के तलवे काटने वाले सावरकर के वंशज है, क्या बात करते हैं, जिसने 1947 में अंग्रेजों की फौज में भर्ती कराई, आप उसके वंशज है सावरकर के, जिसने देश के विभाजन की बुनियाद रखी 1937 में अहमदाबाद में अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में, उस सावरकर की आप बौद्धिक संतान है, आप डिनाई कीजिए, आप बोलिए कि सावरकर देशद्रोही है, आप बताइए कि इस देश में कल की वकालत करने वाली पीडीपी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद मैं बसपा से शुरू करूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। भैया जी कहेंगे, आपका एक बार फिर
स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे और राम भरोसे ये आज की बात की और बहस और इसी पे बातचीत चल रही है। धर्मवीर चौधरी जी के पास बिल्कुल जाएंगे। धर्मवीर चौधरी जी नाराज मत होइए, बिल्कुल भी आप ही के पास आ रहा हूँ और नाराजगी बिल्कुल किनारे रखिए। लेकिन उसके पहले मैं आपके पास आऊँ, उससे पहले मैं दीपक वाजपेयी जी से एक बात के लिए माफी चाहता हूँ। दीपक वाजपेयी जी, मैंने उसको सुना और आपने औलाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, आपने संतान शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन हाँ सावरकर की संतान, कोई बात नहीं, जो गलत है उसको कहने में बिल्कुल बेहिचक, बेहिचक जी आपका, लेकिन उस शब्द पे भी मुझे आपत्ति है। हाँ, उस शब्द पे भी आपत्ति है क्योंकि जिस तरह से वो बोला गया डेरोगेटरी वे में, जिसने देखे मुझे मुझे कोई बात नहीं, पता नहीं आपने उस सेलुलर जेल की वो कोठरी देखी या नहीं देखी, एक बार कोशिश करिएगा जाने की, जरूर जरूर जाने की कोशिश करिएगा। और वो यातना और वो जो ऑफकोर्स देखी होगी, उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। जी जी ऑफकोर्स, मैं आज सावरकर पे मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता, सावरकर के मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता। धर्मवीर चौधरी जी वैसे मुझसे नाराज है, मैं वहीं सीधे जाना चाहता हूँ। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन पहले धर्मवीर चौधरी, इससे पहले कोई नहीं, इससे पहले कोई नहीं बोलेगा। और धर्मवीर चौधरी आपके पास 1 मिनट मैंने आपको दिया, वो कंपनसेट कर दिया आपको। जी धर्मवीर चौधरी बसपा। प्रतीक जी मैं यहां से शुरू करूंगा कि हम काशी को भी मानते हैं और राम को भी मानते हैं, क्योंकि हम काशी राम जी को मानते हैं। काशी राम जी बसपा के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष और बड़े नेता, और वो एक मंत्र दे गए थे जी अब बहुजन समाज के लोगों को कि आप जैसे पत्रकारों से और आप जैसे मीडिया चैनलों से कैसे बच के रहना है, मनी माफिया और मीडिया से कैसे बहुजन समाज के लोग सतर्क रहे, ये मंत्र दे गए थे। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि आप मुझे 45 मिनट बाद डिबेट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मैं आता हूं मूल मुद्दे पर। ये जो राम के नाम के साथ में बीजेपी का काम हो रहा है और जनता का काम तमाम हो रहा है, ये पूरे देश की और प्रदेश की जनता देख रही है। लेकिन ये मूल भावना में जाइए और ये जो मनुवादी बैठे हुए हैं आप समेत, मैं इनको ये बता देना चाहता हूं कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर की पूजा करें, उनकी पूजा करें, संविधान की पूजा करें, जिन्होंने भगवान राम के मंदिर के बनने का मार्ग प्रशस्त किया। वरना ये बीजेपी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग भगवान राम को बेच रहे थे, उनके नाम को बेच रहे थे, उनकी जमीन को बेच रहे थे, उनकी ईंटों को बेच रहे थे और न जाने क्या क्या बेच रहे थे, लोगों की भावनाओं को बेच रहे थे। तो मैं ऐसे लोगों से जनता को यह आगाह कर देना चाहता हूं कि ये राम के नहीं है, इनके मुंह में राम है और बगल में इनके छुरी है। क्या आवाज है चौधरी साहब, ये भगवान राम की मूल भावना को समझें। प्रतीक जी मुझे टाइम दीजिएगा, ये भगवान एक राम दूंगा। की मूल भावना को समझें कि भगवान राम ने उन दलितों का, वंचितों का, शोषितों का साथ लिया था जब वो जंगल में गए थे और उन्होंने किसी भी पूंजीवादी और मनुवादी और जो सामंतवादी सोच के उनके पिता राजा दशरथ के जो समकक्ष राजा थे उनसे उन्होंने कोई मदद नहीं ली थी। उन्होंने केवट की नाव चढ़ी थी, सबरी के बेर खाए थे, वही दलित समाज के लोग, वही वंचित समाज के लोगों ने उनका साथ दिया था और भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में तुम जो है मेरे आशीर्वाद से फलोगे फूलोगे। जी जी धर्मवीर जी, जी धर्मवीर जी, वही दलित समाज के लोग, वही वंचित समाज, जी धर्मवीर जी, इन राक्षस रूपी मनुवादियों का नाश कर देंगे और 2022 की सत्ता में हम वापसी करेंगे। बहुजन समाज के लोग बिल्कुल के साथ और भगवान राम की मूल भावना के साथ में। अरे धर्मवीर जी आज डिबेट में हैं, किसी दिन भाषण में भी होंगे तो सुनेंगे। और देखिए साहब, हम लोग तो वो लोग हैं जो सत्ता में हो यानी एक कुर्सी में बैठे हो या कुर्सी के बाहर हो वैसे ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब सत्ता के बाहर हो तो ब्राह्मण सम्मेलन करवाएं, हम लोग सत्ता के अंदर हो चाहे बाहर हो। अरे सुनिए, अरे आप बोल लीजिए, चलिए, अरे आप बोल लीजिए, मैं सुनता हूं। उस पर डिबेट चलाइए, बिल्कुल उसी पर चलाइए, हम उसी पर चलाएंगे। धर्मवीर जी सुनिए, सुनिए, अरे धर्मवीर जी धर्मवीर जी सुनिए, भगवान राम 136 करोड़ लोगों की आस्था के केंद्र है। बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, 4 मनुवादी बैठे हुए हैं, इनसे बड़ा मैं हिंदू हूँ और हम लोगों ने बलिदान और कुर्बानियां दी हैं इस हिंदू समाज के लिए, बिल्कुल दी हैं। और आपको धर्मवीर जी, धर्मवीर जी आपको प्रणाम है इस बात के लिए, जो कुर्बानियां दी हैं उसके लिए प्रणाम है। मैं तो ये सिर्फ कह रहा था कि चाहे हम लोग यहाँ बैठे हो चाहे बाहर हो, वो नहीं, और वो जो लोग
जो सत्ता में होते हैं तो कुछ और, जब सत्ता के बाहर होते हैं तो ब्राह्मण सम्मेलन। मैं तो उनकी तरफ इशारा करता, मैं आपकी तरफ इशारा नहीं कर रहा था। हम लोग एक ही तरह के हैं, चाहे इधर बैठो चाहे उधर बैठो। अगर कह दिया एक मिनट तो एक मिनट आपको। आप ये इशारा करिए कि ये जो देश को बेचने वाले लोग हैं, हाँ, ये भगवान राम को बेचने वाले लोग हैं, इनकी जी, जी, भी पोल खोलिए आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमें डिबेट ओपन कर रहे हो। शिवम त्यागी डिबेट ओपन है। शिवम त्यागी दीपक आ रहा हूँ। आशा करता हूँ मुझे सुनेंगे, क्योंकि मैं स्काइप पे हूँ, मेरी जवाब मुश्किल हो जाएगी आवाज आना। राइट, इतना कहना चाहता हूँ, धर्मवीर जी ने शुरुआत की श्री राम से और पहुंच गए चुनाव पर देश के बैठे हुए, और न्यूज 18 के सारे व्यूअर बड़ी जोर से हंस दिए होंगे, श्री राम से शुरू करके चुनाव पर पहुंचे। और अब मैं एक बात का जवाब और देना चाहता हूं आम आदमी के प्रवक्ता को कि हां, मैं फिर से कहता हूं, हां हम हैं वंशज वीर सावरकर जी के। हम उस वीर सावरकर के वंशज हैं जिसको दो बार काला पानी की जेल हुई। हम उस वीर सावरकर के वंशज हैं जिसके पास 1909 में, सुन लीजिएगा दीपक जी, 1909 में इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस देश को आजाद कराने के लिए मदद मांगने गए। हैं हम उनके वंशज, हाँ हैं हम उस वीर सावरकर के वंशज जिससे अंग्रेज थरथर कांपते थे, हाँ हैं हम उनके वंशज जिन्होंने जेले अपने बड़े काम में नहीं थे। ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं प्रतीक जी, इनको इतिहास का पता नहीं है। मैं रोक रहा हूं, मैं आराम से वन बाई वन, एक मिनट रोक रहा हूं, मैं एक मिनट रोक रहा हूं, सबको रोक रहा हूं। धर्मवीर जी आप बोल लेते, अच्छा नहीं लग रहा था। मैं आपको चांस दे दूंगा, फिर से चांस दूंगा धर्मवीर जी, मैं चांस दूंगा जी। शिवम जल्दी कंप्लीट करिए, फिर दीपक के पास जी। शिवम के वंशज हैं, आपको शर्म आती होगी, हम किसी ऐसे किसी व्यक्ति के चाटुकार नहीं है जो अपने बच्चों की कसम खा के सरकारें बदल देते हैं। और अब इंपॉर्टेंट चीज पर आना चाहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 136 करोड़ के आराध्य हैं, लेकिन जिन पार्टियों ने और जिन नेताओं ने उनको माना नहीं है, गाली दी है, वो आज जब अपना मुंह पलटकर बार बार वापस जाते हैं तो उनकी इस बात पर शक होता है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। इनके अलावा कौन से प्रवक्ता को ये कहा जाता था? प्रतीक जी आप बताइए, कभी किसी से ये पूछा गया कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा के प्रवक्ता रोज इस बात को लेकर लिंच होते थे और रोज मजाक उड़ाई जाती थी पार्टियों के द्वारा, झूठ बोल रहे। तो सुनिए, आप श्री राम का मंदिर बन रहा है, कौन सा चेहरा के साथ में बैठे हुए हैं? दीपक वाजपेयी, मैं इस देश को मैंने अलाउ किया करना चाहता हूं जिसके चार पितृपुरुषों के बारे में आज इस देश को जानकारी देना चाहता हूं। नंबर एक, नरेंद्र मोदी जी जिस संगठन के पितृपुरुष हैं, ये नरेंद्र मोदी जी वो हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो अपने संविधान में लिखती है कि हम सेल्फ रूल लाएंगे, हिंदुस्तान को अपनी संप्रभुता से समझौता करके बाउंड्रीज को बड़ा करना पड़ेगा, उसके साथ सरकार बनाने के ललच में समझौता करने वाले नरेंद्र मोदी इस संगठन के पितृपुरुष हैं। ये उस लाल कृष्ण आडवाणी इस संगठन के पितृपुरुष हैं जो 2005 में पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे जिन्होंने चादर चढ़ाई और कहा कि जिन्ना एक सेकुलर व्यक्ति थे और राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे हिंदुस्तान के लिए। ये उस लाल कृष्ण आडवाणी पितृपुरुष का संगठन है। मैं बताना चाहता हूं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस संगठन के पितृपुरुष हैं जो मुस्लिम लीग की सरकार में बंगाल में उप मुख्यमंत्री थे, मुस्लिम लीग की सरकार के उप मुख्यमंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये उस पितृपुरुष इनके सावरकर हैं जिन्होंने सिंध में मुस्लिम लीग के साथ संगठन बना के संयोजन करके सरकार बनाई और पाकिस्तान बनना चाहिए इसका सबसे पहले रेजोल्यूशन सिंध की विधानसभा में हिंदू महासभा की सरकार ने पास किया। ये उस सावरकर पितृपुरुष की मानस संतानें हैं, वो संगठन है जिन्होंने कहा कि हर हिंदू का कर्तव्य है कि अंग्रेजों की सेना में शामिल हो और आजाद हिंद फौज के लोगों का कत्लेआम करें। इन्होंने कैंप लगा के अंग्रेजों की सेनाओं में भर्ती कराई 1942 में, जब देश में दीपक वाजपेयी जी, ठीक है दीपक वाजपेयी जी, ठीक है मैंने लिया आपका, दीपक वाजपेयी जी लियोगा, अनिला का, अनिला जी ने बहुत देर से हाथ उठा रहा है, मैं अनिला जी के पास आना चाहूं, लेकिन एक मिनट दोनों को मैं डाउन करना, एक मिनट अनिला जी आप ही का चांस है, मैं आपके पास आ रहा हूं। शिवम को मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, शिवम 10 सेकंड जी। झूठ बोल रहे हैं, इनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। 1916 में सबसे पहले, सुन लीजिएगा, सबसे पहले 1916 में मुस्लिम लीग और इसके अलावा कांग्रेस का पैक्ट हुआ था जब उन्होंने आजादी के लिए लड़ने की बात कही थी। क्या बात कर रहे हैं, 1946 में जब नेहरू ने 47 में नहीं दीपक जी 46 में जब एलिजाबेथ के क्राउन के सामने खड़े होकर छुप कर उसके सामने शपथ ली थी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने को। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? क्या बात कर रहे हैं आप, 1936 में ये चुनाव जीत कर गए थे और इन्होंने रेजोल्यूशन अगेंस्ट में पास करके इन्होंने सरकार भी बनाई थी। किस हिंदू महासभा की बात कर रहे हैं आप?
और लगातार जो आप ये बोले जा रहे थे, और सुनिए, बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना का जो कॉम्पैक्ट हुआ था 1916 में, उसको पढ़ कर आइए आप, क्या बात कर रहे हैं। इस देश में राष्ट्र होना चाहिए, ये देश के दो टुकड़े करने वाले गद्दार सावरकर के, ये गलत बात वाजपेयी जी, वाजपेयी जी 1941 में, वाजपेयी जी ऑडियो डाउन वाजपेयी जी, बार बार गद्दार शब्द का इस्तेमाल करना उस व्यक्ति के लिए गद्दार को, जिसको कि पूरी तरह से समझ नहीं पाए उसको बार बार गद्दार शब्द का इस्तेमाल करना, ये बहुत गलत बात है। इतिहास के साथ न्याय करिए। ये नहीं कि हर चीज वोट नहीं है। और आपसे आपकी पार्टी के बारे में लोग ऐसे ही पूछने लगेंगे तो जी अनिला जी देखिए प्रतीक जी, देखिए ऐसा है, चाहे वो दीपक वाजपेयी जी हो आम आदमी पार्टी के, चाहे वो अग्रवाल साहब हो इंडियन नेशनल कांग्रेस के, चाहे धर्मवीर चौधरी जी हो बीएसपी के, निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि भगवान श्री राम के ऊपर हम यहाँ चर्चा ना कर लें, निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि अयोध्या आज जो जगमगा रही है पूरी रोशनी से, हम उसकी चर्चा नहीं कर लें। ये सच्चाई है इन प्रवक्ताओं की, इन राजनीतिक दलों की, कि हम सावरकर जी पर चर्चा कर लेंगे, हम किसी और पर चर्चा कर लेंगे, पर अगर भगवान श्री राम पर हम चर्चा करने लग जाएंगे तो हम विषांतर कर देंगे। ये चरित्र है इनका, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जरूरी है अपने जहन में राम को जिंदा रखना, क्योंकि पुतले जलाने से कभी रावण नहीं मरते। यहां पर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है, जिस तरीके से विषांतर किया जा रहा है, मैं सीधी सीधी कहती हूं इनके मन में रावण बैठा हुआ है, पर हम लोग राम भक्त हैं और ऐसे रावणों का दहन करना अच्छी तरीके से जानते हैं। आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार आ गई है कि वहां कुत्ते लाशों को खा रहे थे और सरकार कान में तेल डाल के सोर दी, और योगी आदित्यनाथ अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू समझते हैं, उनके दिल लग चुके हैं। अनिल जी, आपके बुरे दिन आ चुके हैं, ये अच्छे दिनों का वादा करके आप जो है देश की प्रदेश की जनता के बुरे दिन लेके आए हैं, और इस बुरे दिनों में आपके भी बुरे दिन सामने उठ गए हैं। आपको धक्का तो जाने भाई बहन, एक किसी को नहीं समझ में आ रहा है। चौधरी साहब नहीं, ये तरीका नहीं है। चौधरी साहब, मैं आपको मैंने कहा कि मैं आऊंगा, ऐसे मत बोलिए। बीच में नहीं समझ में आता, आपके विचार नहीं सुन सकता कोई, आपकी बात नहीं सुन सकता, तो कैसे ऐसे बोलेंगे, तो कैसे होगा काम। अनिला जी 5 सेकंड आपको कंप्लीट करिए जल्दी। अनिला जी अर्जित करके फिर बैठा करें डिबेट्स में। जी अनिला जी, जी 5 सेकंड कंप्लीट करिए अपने सेंटेंस। जी मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ प्रतीक जी, जिस प्रकार से आज हमने देखा है फैजाबाद को अयोध्या बना दिया, पूरी नगरी जो है जगमगा रही है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। अभी अग्रवाल साहब बहुत कुछ कह रहे थे, वाजपेयी जी बहुत कुछ कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी के विषय में। अरे ये नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि आज 370 और 35 ध्वस्त हो चुका है, ये उनकी इच्छा शक्ति है कि हमने देखा है कि सीए को हम सब देख रहे हैं। अनिला जी थैंक यू। धर्मवीर चौधरी जी का और अमरनाथ अग्रवाल जी पहले, एंड देन फिर धर्मवीर चौधरी। अमरनाथ अग्रवाल जी, अभी चर्चा में नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं आया था, बात योगी जी तक आई थी, उत्तर प्रदेश का चुनाव। और आपको एक बात बताऊं कि वाल्मीकि जी अपने को व्यवहार अपना बदला और उन्होंने रामायण लिखी। यहाँ तो आप डाकू बने जा रहे हैं, राम का चंदा लूट रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं समर्पण राशि। और अनिला जी ने हमारी बात का दिनेश घोष, दीपक घोष, दिलीप घोष और महेश शर्मा जी के बयान के बारे में कुछ नहीं बताया। और ये बार बार जो देशद्रोही सुनील बंसल जी देशद्रोही कर रहे हैं, इस पे आप अमरनाथ अग्रवाल जी, आपने वो हलफनामा नहीं बताया जो सुप्रीम कोर्ट में है राम सेतु को लेकर? वो भी वो 2004 में राम सेतु का हलफनामा 2007 में सुप्रीम कोर्ट में है, राम सेतु मानव निर्मित। वो मैं वही बस जानना था, मैं बाकी और काल्पनिक वाला बयान नहीं बताया, वो भी तो नहीं बताया आपने। आप निकालना तो आपको 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विनोद जी आ रहा हूँ, लेकिन मेरा वादा धर्मवीर चौधरी से नहीं, आपने वो दोनों बयान नहीं बताया। मैंने कहा आपको याद दिला दे, बाकी कोई बात नहीं, मैंने बस बयान याद दिलाया आपको कि राम एक काल्पनिक पुरुष और राम सेतु को लेकर आपका, मैं दोनों बात याद दिलाई बस, बाकी नहीं। जी धर्मवीर चौधरी साहब, जी धर्मवीर जी, धर्मवीर चौधरी, प्रतीक जी, जी जी प्रतीक जी, जी जी, ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये जो कार्रवाई श्री राम भगवान की मंदिर की चल रही है, ये मैं आपको बता दूं कि इनके तो सरकार जाने वाली है, ये वहां जमीनों की खरीद फरोख्त में लग गए, फर्जीपने में लग गए,
बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग, इस भगवान राम के मंदिर का निर्माण, भव्य निर्माण भी ये दलित समाज के लोग। धर्मवीर जी, लड़ाई किसके किसके बीच में है यूपी में? लड़ाई किसके किसके बीच में है धर्मवीर जी? लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है, इन चारों पार्टियों की, जो छोटी मोटी पार्टियां हैं ये। अच्छा। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, जब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये छोटी मोटी पार्टियां आपस में लड़ेंगी। अमरनाथ जी हंस रहे हैं, समाज के लोगों का मुकाबला। अमरनाथ जी हंस रहे हैं, वाजपेयी जी हंस रहे हैं। वाजपेयी जी ने तो हाथ जोड़ रखा है, वाजपेयी जी ने हाथ जोड़ रखा है, अमरनाथ जी हंस रहे हैं। वाजपेयी जी की तो हैसियत कुछ नहीं है, ये तो वैसे ही दिल्ली की जनता को लूट के खा गए। अब उत्तर प्रदेश में इनका कोई बैरियर लगे हुए उत्तर प्रदेश में जी, 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 कांग्रेस हो और बीजेपी अपने कुशासन से मैं आ रहा हूँ चौधरी साहब, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूँ। न्यूज 18 के क्यू हैंडल पे आज हमने सवाल पूछा था कि राम मंदिर बनाने का श्रेय क्या बीजेपी को मिलना चाहिए, जवाब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी और सुझाव के लिए न्यूज 18 के क्यू हैंडल को फॉलो करिए। और उदय चौधरी जी का ये आज जो है टिप्पणी है जो सामने स्क्रीन पर, वक्त आर पार का।